हाँ भाई, मैं क्या सुन रहा हूँ, तू लड़की देख क्या है संडे को कैसी रही? थोड़ी सी मिस्टेक है, या देखी नहीं, सिर्फ सुनी और समझी है। अच्छा, सीधा कोर्टशिप पीरियड स्टार्ट हो गया। सही है बेटा, मजे है। ऐसे समझ नहीं आएगा, मुझे फ्लैशबैक ही दिखाना पड़ेगा तुझे पूरा। रुक पापा, जब वीडियो कॉल हो ना तो मुझे ना आवाज लगाना, वरना ऐसा लगेगा लड़का भूत उतावला है, यही बैठा होता सामने। लायक वो तो तू है ही, तू मुझे फोन दे, पहले उसके बाप को ऑडियो कॉल करता हूँ। हेलो, कौन? बेटा पापा है। मेरे तो है, आपके नहीं है क्या? बड़ा ही बदतमीज लड़का है। मेरे नहीं है बेटा, तुम अपने पापा को बुलाओ, बोलो शादी के लिए फोन आया है। मेरे पापा की तो हो चुकी है, वो 55 साल के हैं और ना ही शादी करने वाले हैं। आपकी नहीं हुई क्या शादी? किसी बड़े को फोन दो, हमें करुणा के रिश्ते की बात करनी है। ओ, दीदी के रिश्ते के लिए? अच्छा, अंकल अभी देता हूँ पापा को। मेरे को ना टिकटॉक पे फॉलो करना, मेरी आईडी है हर्ट ब्रेकर, उस पर ना रणबीर की फोटो होगी। ठीक है अंकल, अभी देता हूँ। मैं अपने बेटे को बोल दूंगा, वो कर लेगा तुम्हें टिकटॉक पे। मेरा बेटा तो गया, अगर ये साला मिल गया तो तुम बात करवाओ। पापा फोन आया है। किसका है? नहीं, वाली जीजा जी के बाप का, मतलब पापा का। लड़के वालों का फोन है, याद है? हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। हाँ जी भाई साहब, और बताइए सब बढ़िया? हाँ जी भाई साहब, सब बढ़िया। देखने दिखाने का काम शुरू करें? हाँ जी हाँ जी, रुकिए मैं वीडियो कॉल करता हूँ। जी जरूर। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, रुकिए रुकिए, हमने आपका स्वागत तो किया नहीं, हम आपको ना अभी नाश्ते की फोटो भेज रहे हैं। ये व्यंजनों की फोटो क्यों भेज रहे हैं आप हमें? हमारी माता जी कहती है बिना नाश्ता पानी के कभी स्वागत नहीं होता, तो ये फोटो उसको डाउनलोड करके एज्यूम करके खा ले। नहीं नहीं भाई साहब, ये तो जब लॉकडाउन खुल जाएगा और रिश्ता पक्का हो जाएगा ना, तो हम ये नाश्ता पानी आपको अलग से करवाएंगे। ये सब फॉर्मेलिटीज छोड़े, लड़की देखने दिखाने का काम कर लेते हैं। मैं अपने लड़के को आवाज लगाता हूँ, आ जाओ बेटा, पूछ लीजिए जो पूछना है, मैं चलता हूँ। हाँ जी बेटा जी, कैसे हो? कितना कमा लेते हो बेटा? यही कुछ 50 हजार अंकल। लेकिन हमें तो बिचौलिया ने 8 लाख सालाना बोला था, मुझे लगा 80 हजार रुपये महीना है। 8 को 12 से डिवाइड करोगे तब भी 80 हजार नहीं आएगा। अच्छा, लगता है थोड़ा गुना भाग गलत हो गया है, कोई नहीं, ये भी अच्छा ही है। बुड्ढा लड़की से तो मिलवा नहीं रहा। अंकल लड़की से मिलवा देते तो हमारी बातचीत हो जाती, मेरे को ना ऑफिस का भी काम है काफी। लड़की आ गई है, आज मिल लो तुम उनसे लड़की से। पहली मुलाकात होगी। हाय। ये क्या, आप मुस्लिम हो या शर्मा रही हो? नहीं, हम तो ब्राह्मण है, लेकिन ना हमारे यहाँ लड़की नहीं देखने देते शादी से पहले। टिंकू भी बैठा है मेरे साथ। अच्छा, फिर बताइए शादी क्या है आपके लिए? शादी मेरे लिए तो जिस्मों का, मेरा मतलब है मेरे लिए दो आत्माओं का मिलन है। खाना वाना बना लेती हो? अभी तो परोस लेती हूँ, खा लेती हूँ, ब्रेड बटर लगा लेती हूँ, ब्रेड जैम कर लेती हूँ। बाकी मैंने यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब किए हैं, सीख रही हूँ। बाकी मेरा भाई बता देगा मेरे बारे में, मैं कितना अच्छा बना लेती हूँ। होने वाले जीजा जी, दीदी ना यूट्यूब बहुत देखती है, कुकिंग क्लासेस ले रही है ना, कल दीदी ने बिना दूध वाली चाय सीखी यूट्यूब से। लेकिन इसमें सीखना क्या है, ये तो बहुत आसान है, दूध मत डालो। हाँ लेकिन दीदी से नहीं बनती ना, पहले तो वो दूध वाली चाय के लिए सारी चीजें एक साथ डाल देती थी, दूध पानी चीनी अदरक पत्ती, लेकिन ये बिना दूध वाली चाय के लिए ना उन्हें यूट्यूब से दोबारा रिविजन करनी पड़ रही है। थोड़ी भोली है। भोली नहीं, इसे बेवकूफी कहते हैं। वैसे तो दोनों भाई बहनों की जोड़ी सही बनी हुई है। अच्छा वो तो खाना तो मैं सिखा दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा आपको आता है? दीदी आप कहती थी ना खाना तो अपनी होने वाली सास और पति से बनवा लेंगे, देखो इन्हें तो आता ही है। नहीं, वो कहना चाह रहा था कि पति और सास के लिए बनाऊंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि हॉबीज क्या क्या है तुम्हारी? मैं ना सबको नचाती हूँ। क्या मतलब? ये तो बड़ी तेज लड़की है, तो सबको नचाने की बात कर रही है। मतलब कोरियोग्राफर हूँ ना मैं। अच्छा कोई डांस ग्रुप एटसेट्रा कुछ कोरियोग्राफ करती हो आप? नहीं, शादी ब्याह से रिलेटेड डांस स्टेप बनाती हूँ। बचपन से ही ना शादी ब्याह का बड़ा क्रेज रहा है, मैंने कई डांस स्टेप बनाए शादी ब्याह के। एक बार शादी हो जाए आपको भी नचा दूंगी। वो तो लग ही रहा है। अभी नया चिड़िया डांस स्टेप्स कोरियोग्राफ किया है, पता है मुझे भी आते हैं उसके स्टेप। चिड़िया डांस, ये तो नाम ही पहली बार सुना है, उड़ उड़ के डांस करते हो क्या? ऐसे नागिन डांस होता है ना जो जमीन पे करते हैं, वैसे चिड़िया डांस है जिसमें हाथ लहराते हैं। मेरे घर में मैंने सबको सिखा दिया। तीनी, तीनी। अरे ये तो दिल चाहता है मूवी का फेमस स्टेप है। क्या बात कर रहे हो, ये भी कॉपी हो गया? 20 साल पुरानी मूवी है, तुमने कॉपी किया है। सही में कोरियोग्राफर है? नहीं जी, ये मेरा सब ओरिजिनल है, मैंने तो ये मूवी नहीं देखी आज तक। अच्छा सरोज खान जी, एक पर्सनल क्वेश्चन था, आपका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? ना ना, मम्मी पापा ने ना कभी बनने नहीं दिया। मतलब आप बनाना चाहती थी? नहीं, मेरा भी मन नहीं था। मेरे पास ऑफर काफी है, लेकिन मेरी अपनी जवानी, मतलब मेरा प्यार अपने पति के लिए ही रखा हुआ है। वैसे आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? आपको क्यों
लगा कि मेरा बॉयफ्रेंड होगा? मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि आप कोरियोग्राफी, मेरा मतलब है कोरियोग्राफी करती हो, तो डांस करते हुए लड़कों के साथ कभी कोई चक्कर वक्कर चला हो, बस इसलिए पूछ रहा था। नहीं, मैं कोरियोग्राफी करती हूँ लेकिन सिर्फ घर में, मम्मी पापा और भाई, बाहर नहीं करती। हैं? अच्छा, फिर तो आपके कोरियोग्राफी का सैंपल आपके भाई ने मुझे दिखा दिया है। अच्छा, आपका कोई सवाल है मेरे से? एक क्वेश्चन था, आपके जींस टॉप अलाउड है घर में? आपके यहाँ लड़का देखते वक्त मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं और आप मेरे से जींस टॉप का पूछ रहे हो? हमारे यहाँ भी अलाउड नहीं है। मेरा तो हो गया, कोई और क्वेश्चन हो आपका तो बता दो, नहीं तो घर में डिस्कस करके हम आपको बताते हैं। मेरा तो नहीं है भाई, तेरा है। होने वाले जीजा जी, मुझे कुछ कहना था। मेरे को ना टिकटॉक पे फॉलो कर लेना, हार्ट ब्रेकर रणबीर कपूर की फोटो होगी उसपे। ठीक है, फिर तुम्हारे लिए अभी टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाता हूँ, फिर तुम्हें फॉलो करता हूँ। तो देख लिया मेरा फ्लैशबैक, ये सब हुआ है मेरे साथ। खतरनाक। तो फिर रिश्ता पक्का, सूट वूट सिलवा लूँ मैं? अबे कहाँ का पक्का, मैं तो पहली फुर्सत में मना कर दिया। ऐसी लड़की देखने से अच्छा तो मैं तो कुंवारा ही रह जाऊँ। तुझे अगर इतनी पसंद आ रही तेरी बात चलवाऊँ? ना भाई ना, कोविड का लॉकडाउन एक बार सहन कर लूंगा लेकिन शादी का लॉकडाउन मैं नहीं कर पाऊंगा, और खास करके तेरी स्टोरी सुन के। बाय।